खुद ही जानते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बोधगया के विवेक कुमार कल्याण ने, जो महज 15 साल की उम्र में से यहाँ रह रहे महादलित लोग और उनकी बच्चों की सेवा में लगे हुए। और यहाँ के बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ कीचड़ में खेल रहे हैं, और उस समय बहुत चिंतित होकर हम वहाँ बच्चों लोग से मिले, वहाँ के गार्जियन लोग से मिले, बात किए, उसके बाद उन लोग से समझाने के बाद लोग को हम लोग एग्री हुए पढ़ने के लिए। लोग पढ़ना नहीं चाहते थे क्योंकि लोगों को कोई बताने वाला भी नहीं था कि पढ़ाई क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन जब उनको बताया, उनके फैमिली को बताया, तो लोग बहुत इच्छुक हुए कि नहीं पढ़ाई भी एक चीज़ होती है, क्योंकि लोग बहुत कोसों दूर थे पढ़ाई से, शिक्षा से। मैंने अपने हाथों से बच्चों लोग को चपाकल से निहाया, साफ़ सुथरा किया। एक सामुदायिक भवन थी बना हुआ टूटा फूटा, उसको थोड़ा मरम्मत करके वहाँ पर मैंने 40 बच्चों से स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए। धीरे धीरे बच्चा 40 बच्चा से स्टार्ट होता था, 120 बच्चा वहाँ पर आ गया। अब बहुत जागरूक हुए वहाँ पर बच्चे लोग, फैमिली लोग जागरूक हुए, और मुझे इतनी खुशी मिली कि नहीं, इस चीज़ को और हम आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाते बढ़ाते काम आगे बढ़ते गया मेरे। विवेक कुमार ने बताया कि उन्होंने गांव के ही बेकार पड़े खंडर में महादलित बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। 40 बच्चों के साथ शुरू किए गए स्कूल में आज हजारों बच्चों को शिक्षा के साथ रोजगार और महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम दिया जा रहा है। अभी मेरे स्कूल में लगभग 900 बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, साथ में डेंटल क्लिनिक, म्यूजिकल क्लास है, कंप्यूटर क्लास है, सिलाई सेंटर चल रही है, जिसमें सिलाई सेंटर बहुत से महिलाएं लोग निःशुल्क शिक्षा ले रही है, और उसे सिलाई मशीन भी दिया जाता है। यहाँ पर जो गरीब को दांत में प्रॉब्लम हो रही है, जो 500 रुपये खर्च होता है एक दांत को दिखाने में, सफाई करने में, यहाँ पर निःशुल्क किया जाता है। यहाँ 15 सालों में मैंने बहुत सा चीज़ को मैंने किया है, जो लोगों को, बच्चों लोग को फ्यूचर का भविष्य बन रहा है। मेरे बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर ऑफिसर भी बने हुए हैं, कोई सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई ओटीओ में ऑफिसर है, और कुछ लोग फैशन डिजाइनिंग में गए हैं, कोई सिलाई मशीन से कमा कर अपने परिवार को चला रहे हैं। मैंने रिक्शा भी लगभग 150 लोगों के बीच में रिक्शा भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो शराबबंदी पर भी आती है, जो शराब नहीं बनाने के तौर पर मैंने उस साथ पर मैंने रिक्शा भी दिया, ताकि उसको जो रिक्शा से चला कर अपने परिवार को भी पालन पोषण कर सकें। इस बीच में बहुत सा कठिनाई आई है, क्योंकि कोई भी अच्छे काम करने से लोग को कठिनाई बीच में आती रहती है। बहुत से समय में पैसे की प्रॉब्लम हुई, जिससे मुझे टीचर रखना था, उस समय टीचर के सैलरी के लिए सोचना पड़ता था कि हम कैसे, हम खुद जा के हम बच्चे लोग को पढ़ाते थे, क्योंकि अगर हम टीचर लोग को सैलरी नहीं देंगे तो वो लोग पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम चाहते थे कि निःशुल्क बच्चे लोग को पढ़ाएं। बच्चे लोग गरीब परिवार से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, उन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कि उसको हम वो जाके अच्छे स्कूल में जा सके या उसको। और यहीं से विवेक के सपनों को एक नई उड़ान मिली। बॉडी का ये फर्स्ट आई मेट माय सन अबाउट 20 इयर्स अगो, आई व्हेन आई वेंट टू वियतनाम टू बॉल फॉर सम वॉलंटियर जॉब इन 15 इयर्स अगो, आर यू देन आई से ओके व्हाट यू वांट मी टू डू नाउ, आई वांट टू विजिट India because of you first. At the same time, I can see the Buddha I've been dreaming long time ago. And I've been in America for 40 years, but I never been in India because I'm scared. I don't know how to speak India. And I'm so happy to be here. घूमने आए विदेशी पर्यटकों ने विवेक को हर संभव मदद का वादा किया, जिनकी मदद से आज विवेक यहां बोधगया में 2 मंजिल के 2 स्कूल चला रहा है, जिनमें गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। Maybe 10 years ago, but I come and you know stay at this school maybe about 4 or 5 years. I know I can see you know the school. First, when it start in 2005, it's not very big and not too many students. And you know, day after day, year after year, when I come here, I see it's grow up. And it's more kids is, you know, have education. Also,
I can see the, you know, when they have the children come here with education, the people, Vietnamese Buddhist people, they come and help out, like, you know, give them clothes or school supply, or even feed them lunch. And also the Vietnamese Buddhist people, they donate the well to the poor people around this area. वही गांव के लोग भी विवेक के इस काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि विवेक सर की मदद से आज उनके गांव में कई लोग पढ़े लिखे हैं। चल रहा है स्कूल क्या है यहाँ? मैं भी 15 इयर्स अगो यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ स्कूल खुलने से सारे लोग बहुत सुविधा मिल गया और यहाँ पे खाना पीना भी मिलता है और कंबल वगैरह जो सस्ता से जो आता है, कंबल, खाने का सामग्री और चापाकल वगैरह जो बहुत सारे गरीबों को दिया जाता है और जहाँ 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 गरीब होते हैं वहाँ वहाँ चापाकल धसा देते हैं विवेक सर। और भी प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ बच्चे? यहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं है, हाई प्राइवेट तो वहाँ पे दलित लोग नहीं पढ़ पाते। यहाँ पे अच्छे गरीब भी पढ़ते हैं, अमीर भी पढ़ते हैं, अच्छे और क्या बोलते हैं संस्था है जो यहाँ पे है ये बहुत अच्छा खुल गया है। यहाँ पे सिलाई वगैरह, दांत का देख दवाई वगैरह मिलता है और तो यहाँ अगर ये स्कूल नहीं रहता तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग अनपढ़ रह जाते हैं, अशिक्षित रह जाते हैं क्योंकि इन लोगों के पास पैसा उतना है नहीं, पढ़ा कहाँ से पढ़ा पाएगा, सरकारी सुविधा उतना चाहे नहीं यहाँ पे।